झारखंड में भी आज से जो बजट सत्र है वो शुरू हो चुका है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में हम सीधे अपने दर्शकों को झारखंड विधानसभा इस वक्त लिए चलेंगे, जहां हमारी सहयोगी पूजा मौजूद है और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। पूजा, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है, क्या कुछ अपडेट्स है, क्या जानकारी है? देखिए रेखा, बजट सत्र का आज पहला दिन है और आज पहले दिन जिस तरीके से जेएससी जेई परीक्षा पेपर जो लीक हुआ था, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर के ये पूरा प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदन के बाहर किया गया और सदन के अंदर इसको लेकर के पूरे तरीके से हंगामा करने की बात भी कही जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के SIT का गठन भी किया गया है और चंपई सुरेन ने विशेष सत्र के दौरान इसका ऐलान किया था और इन सभी चीज़ों को लेकर के काम जो है वो यहाँ पर जा रहा है कि आखिर परीक्षा पत्र जो है वो कैसे लीक हुआ, क्या कुछ जो चीज़ें थी। कई सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पर सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन किया। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों ही जगह पर इस पूरे मामले को लेकर के प्रदर्शन करने वाली है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज सदन के बाहर इस पूरे मामले को लेकर के प्रदर्शन किया और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर सरकार को भी घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि SIT का गठन किया गया है लेकिन इससे कुछ भी फलाफल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, युवा विरोधी सरकार है, ये इस तरीके के बयान जो है वो यहाँ पर सुनने को मिले। वहीं बन्ना गुप्ता की अगर बात करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने साफ तौर पर कहा है रेखा कि यहाँ पर सरकार सभी चीज़ों को देख रही है, SIT का गठन कर दिया गया है और कामकाज इसको लेकर के चल रहा है कि जो जो भी इसमें दोषी होगा वो यहाँ पर सरकार के से नहीं छूटेगा और इसको लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। तो इस बार का जो बजट सत्र है वो इस मामले को लेकर के शुरू हो रहा है और जिस तरीके से आपको बता दें कि विशेष सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण हो चुका था तो उसको कंटिन्यू कहीं ना कहीं से माना जा रहा है। इस वजह से भी जैसे हर देखा जाए तो बजट सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण महत्वपूर्ण होता है, तो ये चीज़ पहले ही विशेष सत्र जो कुछ दिनों पहले आहूत हुई थी उसमें राज्यपाल का यहाँ पर अभिभाषण हो चुका है तो आज यहाँ पर वो नहीं हुआ था, इस ये कारण यहाँ पर था। तो इन पूरी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो युवाओं की फरवरी को जो बजट है वो पेश होगा। ऐसे में अगर हम चंपाई सोरेन की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये बजट जो है वो जनता के हित में होगा। जी हाँ रेखा, ये इस बजट को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ये साफ तौर पर आरोप लगा रही है सत्ता पक्ष के लोगों पर कि पिछले बार जिस तरीके से जो उन्होंने बजट पेश किया था उसे वो पूरा खर्च नहीं कर पाई अभी तक, और अगर ये बजट अभी तक पेश नहीं हुआ है, जो चीज़ें अभी खर्च नहीं हुई हैं उसको लेकर के अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो फिर नया बजट जो सरकार पेश करने जा रही है तो उसे किस तरीके से खर्च करेगी, क्योंकि पूर्व वाली राशि अभी तक पूरी तरीके जनता पार्टी आरोप लगा रही है। लेकिन तो इस तरीके से सदन के बाहर BJP जो है पेपर लीक मामले को लेकर हंगामा करती नजर आई पूजा, तो ऐसे में सदन के अंदर भी BJP के विधायक जो है वो हंगामा करते नजर आ रहे हैं पूजा। जी हाँ रेखा, अगर हम लोग सदन के अंदर बात करेंगे तो सदन के अंदर भी इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज़ को बुलंद करेगी। फिलहाल जो पूरा शोक प्रस्ताव का पूरा जो प्रोसीजर है वो वहाँ पर होगा और कई इस पर साफ कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर पेपर लीक मामले को लेकर के सदन के अंदर भी सरकार को घेरने से नहीं चूकेगी, सदन के अंदर भी वो काफ़ी ज़्यादा हंगामा करेगी। देखिए ये 7 दिनों का बजट सत्र है, काफ़ी छोटा बजट सत्र है और बजट सत्र में सभी विभागों को लेकर के भी चर्चा होनी है सभी चीजें, लेकिन अभी तक इन सारी चीजों को लेकर के अंदर क्या कुछ होता है, निकलता है सदन जाएगा। भले ही ये पूजा बजट सत्र जो है वो छोटा है लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने अपनी तैयारी कर ली है, हमने देखा कि विपक्ष के नेताओं की ओर से विधायक दल की बैठक बुलाई गई कल शाम को और उस बैठक में जो है वो उनकी ओर से रणनीति बनाई गई। ऐसे में सत्ता पक्ष को घेरने का कोई मौका जो है वो विपक्ष इस बार नहीं छोड़ने वाला है, भले ही बजट सत्र छोटा है पूजा। जी हाँ रेखा, अगर सदन के अंदर की अगर हम लोग अगर जिस तरीके से सदन में जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी रणनीति बनाई बनी है और उसको लेकर के पूर्व में ही देर शाम अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर BJP की भी बैठक हुई और साथ ही साथ JMM कांग्रेस की भी, महागठबंधन की भी बैठक CM आवास में हुई थी। पूरी चीज़ों को लेकर के सदन में क्या कुछ रहने वाला है, किस तरीके से अपने मुद्दों को वहाँ पर वो क्लियर करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी कांग्रेस के विधायक जो दिल्ली गए हुए थे
आज वो सभी लोग सदन में आज पहुंचे हुए हैं। सभी 8 जो विधायक दिल्ली गए हुए थे, जो कह रहे थे कि हम यहाँ पर बजट सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे, अब वो पूरी तरीके से बजट सत्र में हिस्सा ले रहे। सभी लोग आज इस बार के बजट सत्र में पहुंचे हुए। देखिए रेखा, जो आपका सवाल था कि बीजेपी जो है किस तरीके से घेरने वाली है, और मैंने इसको लेकर के पिछले दिनों भी कहा था कि ये जो पूरा मामला होगा युवाओं से जुड़ा हुआ मामला रहेगा। युवा किस तरीके से सड़कों पर बैठे हुए हैं, उस पूरे मुद्दे को यहाँ पर लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार को घेरेगी, क्योंकि अब काफ़ी कम समय बचा हुआ है रेखा, लोकसभा और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो इसको भी एक रणनीति के तहत ही अगर हम लोग देखेंगे तो वो इसे बनाया गया है कि युवा जो अभी सड़कों पर मौजूद है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या फिर कुछ अन्य जो लोग अब प्रदर्शन करेंगे। विधानसभा का घेराव जो है वो भी 27 फरवरी से शुरू हो जाएगा अभी लोगों के अलग अलग संगठनों के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इन चीज़ों पर ही काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी रणनीति बनाई है, और इसी को लेकर के वो सभी चीज़ें यहाँ पर रखने वाले हैं। बिल्कुल पूजा, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। रेखा, अगर हम लोग बात करेंगे 27 फरवरी को जहाँ पर झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर राव 27 फरवरी को बजट पेश करेंगे, और उसके बाद फिर चीज़ें और बदलती हुई देखने को मिलेगी। इस वक्त विधानसभा की कार्यवाही जो है वो सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हम सीधे लिए चलेंगे हमारी सहयोगी पूजा के पास। पूजा, चूंकि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की अगर हम बात करें तो जो जानकारियाँ मिल रही है उसे स्थगित कर दिया गया है सोमवार सुबह 11 बजे के लिए। पूजा भी आ रहा है, बहुत गिरफ्तारी भी हुई है, और ये घटना है झारखंड में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में हुआ है, अन्य जगह भी होता है। बात यह है कि जो भी गलत करे उसको गलती का उसको पकड़ना चाहिए, उसको जो प्रधान है उसको दंडित करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि जो एजेंसियां सरकार ने सेलेक्ट की वो ब्लैकलिस्टेड है तमाम राज्यों में, फिर उन एजेंसियों से क्यों कंडक्ट करा रहे हैं? देखिए पूरे विषय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे, और जो भी रास्ता निकलेगा झारखंड के हित में उसको निकाला जाएगा। देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, एक ही मुद्दा है जो बात वो बोलते हैं। फिर देखिएगा सोमवार से फिर लोग हल्ला करेंगे, जनता का मुद्दा उठाएंगे नहीं, क्योंकि 5 साल वो सत्ता शासन में रहे हैं, तो हाथी उड़ाने में, डोहा बनाने में, योजना बनाने पर समय गंवा दिए, और झारखंड ने 5 साल का हाल बेहाल हो गया, कोई काम हुआ नहीं, आप फिर चला रहे हैं गारंटी योजना। पर आप सुन रहे थे आरजेडी कोटे से मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, जो कि झारखंड में फिलहाल महागठबंधन सरकार में हैं, और ये जो है विपक्ष पर हमलावर होते नजर आ रहे थे। इनका एक ही साफ तौर पे यही कहना है कि जो विपक्ष है वो जनता के मुद्दों से खुद को अलग रखना चाहती है, तभी उनकी ओर से लगातार हंगामा भी किया जाता है। हालांकि अगर हम इस बजट सत्र की बात करें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर है, लेकिन अगर हम चंपाई सोरेन की बात करें जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बजट पेश होगा सत्ता पक्ष की ओर से वो बजट जो है वो राज्य के हित में होगा और सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही होगा। पूजा से जानने की कोशिश करेंगे। पूजा, चूंकि इस वक्त दर्शकों को हम सत्यानंद भोक्ता को सुना रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है, जनता से उनको कोई सरोकार नहीं है। पूजा जी हाँ रेखा, यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है और वो पूरी तरीके से मुद्दाहीन है। SIT का गठन सरकार ने कर दिया इस पूरे मामले को लेकर के, और उनके द्वारा ये पूरा कामकाज भी किया जा रहा है। यहाँ पर सभी लोग एक एक कर यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। रेखा, हम आपको एक बार वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे, बाबूलाल मरांडी भी यहाँ पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को उनका भी बयान जरूर सुनाएं। बाहर में भी लोगों को देख भ्रमित करता है उसका, हमको क्या बोलते हैं, वीडियो मिला तो मैंने उस वीडियो को सुना, और मेरे बारे में भी कहा कि इनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, पीडिकेट ऑफेंस बनता है, लेकिन एडी कुछ नहीं करता है। बोले यार मेरे ऊपर कोई पीडिकेट ऑफेंस कहाँ से बने? हमारे ऊपर जो भी केस हुआ है आंदोलन का केस हुआ है, या फिर हमने आचार संहिता उल्लंघन का वो सारे केस कब्बे का समाप्त हो गया, पलामू में 144 उल्लंघन का वो समाप्त हो गया। इस समय भी मेरे ऊपर जो केस है वही केस है जो हम सड़क पर आंदोलन किए, चाहे HEC के पास या जो सचिवालय जाकर रहे थे वो केस है। तो आप जब इतना बड़ा महान वकील देश में वो माने जाते हैं,
और वो अदालत में तो बाहर में ऐसे बहस कर रहा है, बाहर में ऐसे वो पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को। तब मैंने उनको पत्र लिखा है। बबुरा जी, ये आखिरी बजट सत्र है चंपई सरकार की। सत्ता पक्ष कह रही है किसान जनता छात्र के हित में बहुत बढ़िया बजट ये साबित हो रहा है। यार, छात्रों को तो ये ठग रहा है। छात्रों का जो हक था, उनको जॉब मिलेगी, वो भी ये सरकार बेच रही है। छात्रों की कहाँ हित में है, नौजवानों के हित में कहाँ? अरे, गरीब मजदूर के हित में क्या है भाई? आप पता कर लीजिए, अब वो आवास में वसूली चल रहा है, चारों तरफ आकर अखबारों में रोज छाप रहा है, रोज लोग आंदोलन कर रहा है, तो ये सब जगह तो ये वसूली कर रहे हैं। सब जगह ये लोग लूटने में लगे हुए हैं। बालू को लूटा, पत्थर को लूटा, कोयला को लूटा, लोहा को लूटा, जमीन को लूटा, जॉब को लूट रहा है। अब वो आवाज में लूट मची हुई है। अब क्या कहिएगा, बताइए। देखिए रेखा, यहाँ पर साफ तौर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अबुआ आवास में भी यहाँ पर घोटाला जो है वो यहाँ पर चल रहा है। तो एसआईटी का गठन जो पेपर लीक मामले में, उसमें कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। देखिए, लगातार लोग यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ अमित मंडल जी भी हैं। हम लोग कोशिश करेंगे इनसे भी बातचीत करने की। अमित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर सभी चीज़ों को देख रहे हैं और सदन के अंदर एक पूरे तरीके से हंगामेदार तरीके से आप लोग आने वाले हैं पेपर लीक मामले को लेकर। हम लोग तो चाह रहे हैं कि इसी सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच इसलिए हो क्योंकि जितनी भी एजेंसियां हैं, सारी एजेंसियां कहीं ना कहीं ब्लैकलिस्टेड है। तो इस स्थिति परिस्थिति में हम लोग के साथ जस्टिस कैसे होगा, युवाओं के साथ जस्टिस कैसे होगा? एसआईटी पे हम लोग इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि ये इन हाउस प्रोडक्शन है। इनकी जो दायरा है वो सरकार के मंत्री, सरकार के पदाधिकारी तक जाने की नहीं है, ये एजेंसी तक कार्रवाई करके छोड़ देंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई जांच इन सारे एग्जाम्स की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जितने भी केंद्रीय जांच एजेंसियाँ हैं वो बीजेपी की है, तो हम लोग कैसे इस बात पर भरोसा करें? लोग सत्ता पक्ष विधायक तो ये भी कह रहे हैं कि ईडी आपकी ही पूरी तरीके से है। हमने तो नहीं कहा था कि भ्रष्टाचार करे और कदाचार करे और पेपर लीक आउट करे। जब ऐसा हुआ है तो जांच एजेंसी को काम तो करना ही होगा, और जब काम होगा तो निश्चित तौर पर उसमें सीबीआई आएगी। एसआईटी तो आप देखिए, एसआईटी ने कितने लोगों को चार्जशीट किया है, वो एजेंसी तक जाएगी, एजेंसी का मंत्री तक नहीं जा पाए। अच्छा, आप इसे कैसे देखते हैं? नीरज सिन्हा ने भी उस पद से इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से। बात बता दूं कि उनके पास इतना प्रेशर है, और प्रेशर सिर्फ अंदर से नहीं है, ऊपर से भी है। गलती हुई है, जांच की आंच वहां तक जा रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भविष्य में उनसे पूछताछ होगी। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर इतना है, ना एसआईटी ठीक से काम कर पाएगी और ना ही जो है चेयरमैन। तो देखिए, लगातार इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक अमित मंडल मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर रेखा कहा कि एसआईटी भी जो है वो सही से काम नहीं कर पाएगी, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। अध्यक्ष जो थे वो उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था, इस वजह से ये पूरी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली। तो ये पूरी मुद्दे जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। सत्यानंद भुक्ता जहाँ कहते हैं कि यहाँ पर एसआईटी का गठन किया गया है, एसआईटी अपना काम कर रही है, लेकिन फिलहाल जो बीजेपी के जो विधायक हैं उनका साफ कहना है कि हमें आईटी पर भरोसा नहीं है। ये पूरे पेपर लीक मामले पर अब यहाँ पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। रेखा, चलिए, बीजेपी के विधायकों को जो है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही बड़ा सवाल जो है वो बाबूलाल मरांडी की ओर से उठाया गया है। उन्होंने अबुआ आवास, जिसका क्रेडिट लगातार राज्य सरकार ले रही है, और अबुआ आवास योजना को लुभाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दर्शकों और जो जनता है वो भी इस आवास का लाभ लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अब उस आवास पर भी सवाल उठाया है। इससे इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे पूजा, क्योंकि बजट सत्र जो है वो सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हुआ है, लेकिन तमाम नेता जो है वो अपनी बातों को कहते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को उचित लगेगा, उस अनुसार वो निर्णय लेंगे। अगर अभी बात की जाए तो उनका कहना है कि चंपई सोरेन सरकार कुछ इस पर करने वाली नहीं, पुराना बजट ही जब वो खर्च नहीं कर पाई है तो नया जो बजट पेश कर रही है उसमें कितना खर्च कर पाएगी? जो बजट खर्च नहीं हो पाए हैं उसमें आधा से अधिक तो इन्हीं का हाथ है, जो लगातार सरकार की कुर्सी को ये हिलाते रहे। अगर सही रूप से चलने देते थे तो निश्चित रूप से 100% बजट खर्च होती थी, मगर यही इनका एजेंडा था, ईडी सीबीआई लगा के सरकार को किस रूप से परेशान किया जाए, ताकि सरकार जो कल्याणकारी योजनाओं को सरकार ने वादा किया है वो कर ना पाए। मगर तब भी हम उस हिसाब से काफ़ी सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
अब वो आवास का माननीय मुख्यमंत्री जी अभी वितरण कर रहे हैं, इससे पहले जो वृद्धा पेंशन है, इससे पहले सर्जन पेंशन है, तमाम चीजों में काम हो ही रही है। शिल्पा जी, बाबूलाल मरांडी ने तो आरोप लगाया कि अबुआ आवास में घोटाला हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ये दिखावा है। इनको घोटाला दिखता है, मगर केंद्रीय सरकार से जो हिस्सा आना था, जो 8 लाख इन्होंने यूपी के डबल इंजन के सरकार को दे दिया, उसके बारे में बाबूलाल मरांडी जी क्यों नहीं बोलते हैं? उनके मुँह से निकला हुआ ये सब चीजें भी शोभा नहीं देती है। अगर यहाँ पे बात की जाए उन अभ्यर्थियों के, क्या कहिएगा जो इस पूरे मामले को लेकर के विरोध कर रहे हैं, शव यात्रा निकाल रहे, भोज खा रहे, इस पर आप उन अभ्यर्थियों का क्या कहिएगा? देखिए, जेई का मैंने हाल फिलहाल में आंदोलन देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इसमें हम लोग संवाद भी किए हैं, और मैं भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि हमारे सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं हाल ही के दिनों में। मुझे उसको फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं, मीडिया भी जान रही है, जनता भी जान रही है, और इस ठोस कदम के बाद आप देखेंगे कि आचार संहिता से पहले कई सारे रिजल्ट्स को जारी किया जाएगा, और यही हमारी प्राथमिकता भी है। 7 दिन का सत्र होने वाला है मैम, बहुत छोटा बजट सत्र है, इसमें हंगामे भी पूरे होने वाले इस पूरे मामले को लेकर के। आप लोगों की सरकार ने कई सारे युवाओं को कई वादे किए, उन पर क्या कुछ प्रक्रिया होने वाली है? देखिए, छोटा सत्र इसीलिए है क्योंकि 9 तारीख को ही पहले सत्र आहूत किया गया था, मगर किसी राजनीतिक परिस्थिति के कारण फिर से इसको पोस्टपोन किया गया। अब हमारा प्राथमिकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जल्द से जल्द हम लोग बजट को पारित करें, इसीलिए सत्र छोटा है, मगर फिर भी सत्र में बजट पारित किया जाएगा, साथ ही साथ वाद विवाद का भी इसमें चर्चा के लिए भी सरकार मौका देगी। जी रेखा, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर शिल्पी नेहा तिर्की इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने कहा है कि हमें SIT का जो गठन किया गया वो हम लोग देख रहे हैं, साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर हमें पूरा बजट खर्च नहीं करने के पीछे कहीं ना कहीं BJP का हाथ है, क्योंकि वो ED, CBI, IT की जाँच हर वक्त हमारे लोगों पर कराते रहती है, अपने लोगों पर क्यों नहीं करा पाती है, उन राज्यों में क्यों नहीं होता ये सारा चीज़। इस पर उन्होंने काफी बड़ा सवाल उठाया और साफ तौर पर कहा है कि SIT अपना काम कर रही है, सारी चीजों को देखा जा रहा है। देखिए, कई सारे विधायक जो और मंत्री हैं वो यहाँ पर लगातार निकलते हुए नजर आएंगे, और हम लोग यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बैद्यनाथ राम, जो कि काफी ज्यादा नाराज थे, जिन्हें मंत्री पद की यहाँ पर शपथ लेनी थी, लेकिन वो नाराजगी थोड़ी बहुत अभी भी नजर आ रही है। रोज बात हो रही है। पार्टी से खुश है? अभी सत्र पार्टी में है, बने रहेंगे। हाँ, और खुश है कि नहीं? बने रहेंगे मजबूती के साथ। हो गया। देखिए, तो पार्टी के साथ है और पार्टी में ही रहेंगे, नाराजगी जरूर अभी भी इनके मन में है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि बैजनाथ राम ये वही विधायक है जो कि 12वां मंत्री का यहाँ पर शपथ लेने जा रहे थे, लेकिन एंड मोमेंट पर उनका नाम राजभवन के लिस्ट में से ही गायब हो गया था, इस वजह से उनमें काफी ज्यादा इसको लेकर के नाराजगी थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी में ही रहूंगा। तो ये चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही है। रेखा, बिल्कुल पूजा, तो बैद्यनाथ राम हमें नजर आ रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पार्टी में बने हैं, बने रहेंगे, चूंकि कांग्रेस की ओर से जब दबाव बनाया गया तो राजभवन से उनका एक लिस्ट जो है वो काट दिया गया था, उस लिस्ट से उनका नाम अचानक काट दिया गया था, जिसके बाद इनके समर्थकों में भी नाराजगी देखी जा रही थी। हालांकि यहाँ पे हमने कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को भी दर्शकों को सुनाया, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बातों को रखा, और जब उनसे ये सवाल किया गया कि पुराना बजट जो है वो अब तक सरकार खत्म नहीं कर पाई, उसे पूरा नहीं कर पाई, और नया बजट पेश कर रही है, तो उस पर उन्होंने उसका ठिकरा BJP पर ही फोड़ती हुई नजर आई, और साफ तौर पे कहा कि BJP जब ED और CBI की कार्रवाई कराना बंद करेगी तभी इस तरीके की तस्वीरें नजर आएंगी। पूजा, चूंकि एक सवाल ये भी आपसे लेना चाहेंगे कि अबुआ जी, पूजा बोलिए, जांच करवानी चाहिए, मांस की रखवाली कुत्ते को नहीं दिया जा सकता, राज्य सरकार के कार्यकाल में यह प्रश्न पत्र लीक हुआ है, स्पष्ट है राज्य के बाहर की किसी एजेंसी से अगर उनको CBI पर एतबार नहीं है तो ED से जांच करवा ले। तो वो तो ये भी कह रहे हैं ED BJP की है। कहने से अगर आज देखिए ED और CBI ने जो काम किया इस देश के लिए, आज आप दिल्ली का उदाहरण ले ले कि दिल्ली में सत्येंद्र जैन जी जो मंत्री हैं पिछले 2.5 साल से जेल में हैं, और आप लगातार ये आरोप लगाता रहा कि ED प्रताड़ित कर रही है, लेकिन कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रही है। तो अगर 2.5 साल से किसी को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रहा है
तो क्या आप ऐसा कह देंगे कि कोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी चलाती है? इस देश में कानून का शासन है और ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। मेरा पुरजोर मांग है कि इसको सीबीआई से जांच इस मैटर को करानी चाहिए। सर, काफी छोटा बजट सत्र है, तो क्या ये पूरा बजट सत्र है वो हंगामे में ही निकल जाएगा? देखिए, सबसे पहला दोष तो सत्ता पक्ष का है, ये बजट सत्र छोटा क्यों है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई है, क्यों छोटा है? वो तो कितना दिन का लग सकती है भाई, लग सकती है, लग सकती है, वो एक अलग विषय है। इनको पता है क्या कि कब लगेगा? इनको अपना बजट सत्र पहले करना चाहिए था और अभी भी समय से रखना चाहिए। अगर वो किसी परिस्थिति में कम हो जाता तो देखा जाता, लेकिन इन्होंने जान करके इवेड करने के लिए बजट सत्र को छोटा रखा है, पहली बात। दूसरी बात कि इस छोटे से बजट में भी बजट पर डिस्कशन केवल दो दिन है, छः दिन का सत्र है, उसमें बजट केवल दो दिन ही है। बाकी पाँच दिन आपने क्यों नहीं रखा? आज आपने कल आप सोमवार को बजट ले करते, आपने नहीं किया। तो आप स्वयं जान करके कि इनको पता है कि बजट में इनका छींचा लेदर होने वाला है, जो पीछे इन्होंने कम खर्च किया है उसका हम लोग सवाल उठाएंगे, जो आगे नीति विहीन जो ये सरकार चल रही है। देखिए, अब ये सरकार का क्या हालचाल है कि बालू, कोयला, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, नौकरी और अब अबुआ आवास को भी लूटने का काम ये लोग कर रही है, प्रश्न पत्र भी ये लोग बेच रहे हैं। तो ये झारखंड बेचू सरकार है, ये झारखंड को बेचने का काम कर रही है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और जेएसएससी घोटाले को सीबीआई से जांचो इसकी मांग हम लोग करेंगे। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक मनीष जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद है। अभी हम आपको कोशिश करेंगे कि दीपिका पांडे से भी बातचीत हो यहाँ पर, और क्योंकि जिस तरीके से मनीष जायसवाल ने कहा भी कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले का जो पेपर लीक मामला है उसकी जाँच जो है वो सीबीआई के द्वारा हो, और हमें उस पर भरोसा है। अगर सीबीआई से नहीं कराना चाहते तो ईडी से जाँच करा ले। साफ तौर पर यहाँ पर मनीष जायसवाल ने हमारे साथ बातचीत के दौरान यहाँ पर ये कहा है, ये इस पूरे मामले को लेकर के देखिए, यहाँ पर इस वक्त लगातार जो विधायक है वो यहाँ पर निकल रहे हैं और अपनी बातों को, जो पेपर लीक मामला है उसको लेकर के पूरा हंगामा जो है वो होने वाला है। रेखा, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उन पर वो हमला करते हुए नजर आए। चूंकि पूजा, एक सवाल आपसे ये भी लेंगे, बाबूलाल मरांडी ने जिस तरीके से अबुआ आवास को लेकर के अपनी आवाज़ उठाई है, और जिस अबुआ आवास को लेकर के जेएमएम पार्टी जो है उसे भुनाने की कोशिश कर रही है, उसी आवास योजना पर भी बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगा दिया और उसे भी भ्रष्टाचार करार दे दिया। पूजा, जी हाँ रेखा, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने अबुआ आवास पर भी सवाल उठाया और साथ ही साथ मनीष जायसवाल ने भी ये पूरा आरोप लगाया है, और इसी आरोप को लेकर के पूरी तस्वीर देखने को मिल रही है। दीपिका पांडे से भी रेखा हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर बातचीत करने के लिए। चलिए, तो ये तस्वीरें हम आपको सीधे झारखंड विधानसभा के बाहर के दिखा रहे हैं, जहाँ पे तमाम नेता इस वक्त वहाँ नजर आ रहे हैं। जो विधानसभा का बजट सत्र है वो सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित है। सीधे लिए चलेंगे आपको विधानसभा, दीपिका पांडे को सुनाते हैं। हम लोग सरकार में रहते हुए भी जितने विधायक हैं और सरकार भी खुद ये महसूस कर रही होगी कि बच्चों की नौकरियाँ प्राथमिकता पर है, इस काम में हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, और अब जब तमाम नियुक्तियां जिनके परीक्षा हो चुका है उसका रिजल्ट ना आए तो यह चिंता का विषय है। पेपर लीक के भी मामले आए, जो परीक्षा हुए उस वो भी रद्द करने पड़े हैं। हम लोगों ने कानून तो बनाया, देखिए बहुत चीज़ें उलझी हुई थी, चीज़ों को ठीक करने में हम लोग को समय लगा है, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बच्चों को आंदोलनरत होना पड़ रहा है ये बहुत चिंताजनक बात है, और उनकी जो भी मांगे हैं वो जायज़ हैं। विपक्ष जो यहाँ सीबीआई की बात कर रहा है, तो राज्य ने एसआईटी गठित किया है, एसआईटी की जो कार्रवाई होगी उससे संतुष्टि ना हो तो फिर सीबीआई की मांग करें। जहाँ पर सीबीआई की मांग होनी चाहिए
वहाँ तो ये करते नहीं हैं। इनके ऊपर खुद भी भ्रष्टाचार के इतने मामले हैं, इन्हें कहना चाहिए एसीबी ने सीबीआई से जांच करवा दीजिए, इस तरह की मांगों को तो लेके आते हैं। ये लोग अबू आवास पर भी सवाल उठा रहे हैं कि उसमें भी भ्रष्टाचार पूरा भरपूर है अबू आवास में। सरकार अबू आवास को लेके कितनी सतर्क है और उसको कितना परफेक्शन से करने का प्रयास कर रही है आप लोगों को मालूम है, लेकिन मैं पहले भी बोलती रही हूँ कि जो सरकारी महकमा है वो कहीं ना कहीं सरकार को शर्मिंदा करने का काम करवाती रही है सख्ती से। वो आवास में जो सही में लाभुक हैं उनको मिले, जैसे बीपीएल की सूची भाजपा के समय में बनी थी वैसी सूची हम लोग नहीं चाहते हैं। आवास की संख्या बढ़ाई गई है, क्योंकि आपने देखा जब सर्जन पेंशन हम लोगों ने किया तो 60 से ऊपर सभी को जब पेंशन मिल रहा था तो भ्रष्टाचार का कोई स्कोप ही नहीं था। आज अबू आवास की जो संख्या हम लोगों ने दी है उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास भी हो जाता, या फिर अगले वित्तीय वर्ष में जो हम लोग इसको बढ़ाने की तरफ अग्रसर हैं, जब पर्याप्त संख्या में आपके पास सुविधा होगी तो उसमें करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अबू आवास को लेकर जो पहल की है, मुझे लगता है पूरे राज्य को इसकी सराहना करनी चाहिए। जो ठंड में प्लास्टिक के नीचे और टटिया के नीचे सोते हैं उनकी क्या हालत होती है वो हम लोगों ने गाँव में महसूस किया है। देखिए रेखा, अगर बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ दीपिका पांडे मौजूद थी जिन्होंने साफ तौर पर कहा है इस पूरे मामले को लेकर के कि यहाँ पर SIT का गठन किया है सरकार ने और सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर के काम कर रही है, अगर उसके बाद भी उन्हें संतोष नहीं होगा तो यहाँ पर ज़रूर वो CBI की जाँच की मांग कर सकते हैं। लेकिन जो युवाओं के साथ हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, वो पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है, इनका साफ तौर पर कहना है। और युवाओं की जो मांग है उसके साथ दीपिका पांडे यहाँ पर खड़ी हैं, और जो अबू आवास के पूरे मामले को लेकर के बाबूलाल मरांडी हो या फिर मनीष जायसवाल, उस दोनों लोगों ने यहाँ पर सवाल खड़े किए, तो उस पर इनका साफ कहना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान जो BPL की सूची सामने आई थी वैसी सूची हम नहीं चाहते, जो सचमुच लाभुक है हम उन लोगों को अबू आवास देना चाहते हैं, और पूरी मजबूती और पूरे यहाँ पर सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है, जो अभी प्रमाण पत्र, जो स्वीकृति प्रमाण पत्र जो अभी लोगों को दिए जा रहे हैं, जांच के साथ पड़ताल के साथ जो है अबू आवास योजना का लाभ जो है वो लोगों को मिलेगा।